मऊ हिंसा मामले में अधिकारी पर गिरी गाज। डीआईजी आजमगढ़ मनोज तिवारी को हटाया गया है, तो छुट्टी पर रहने के चलते डीआईजी पर यह कार्रवाई। तो जे रविंद्र गौड़ को बनाया गया डीआईजी, तो आजमगढ़ डीआईजी पर यह बड़ी कार्रवाई। तो छुट्टी पर होने के चलते उन्हें उनके पद से हटाया गया है और जे रविंद्र गौड़ को नया डीआईजी बनाया गया। तो मऊ हिंसा मामले में अधिकारी पर गाज गिरी है, क्योंकि जिस तरह से मऊ में हिंसक का प्रदर्शन यहां पर हुआ, माहौल काफी बिगड़ा, उसके चलते हिदायतें सीएम योगी की तरफ से दी गई थी तमाम अधिकारियों को कि प्रदेश के माहौल को बनाने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर रहें, लेकिन आजमगढ़ के डीआईजी छुट्टी पर थे, जिसके चलते अब कार्रवाई की जो गाज है वो आजमगढ़ डीआईजी पर गिरी है। उनको पद से हटाते हुए जे रविंद्र गौड़ को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो छुट्टी पर रहने के चलते इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जे रविंद्र गौड़ को आजमगढ़ डीआईजी बनाया गया, तो मऊ हिंसा मामले में अधिकारी पर गाज गिरी है, तो जे रविंद्र गौड़ को नया डीआईजी आजमगढ़ का, तो छुट्टी पर रहने के चलते हटाए गए पूर्व डीआईजी मनोज तिवारी। तो पहले मनोज तिवारी के पास ये जिम्मेदारी, लेकिन अब जे रविंद्र गौड़ को नया डीआईजी बनाया गया।